कल का सबसे बड़ा हेडलाइन होने वाला था, पर यह हेडलाइन जीवी सरकार ने तय कर लिया है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक में चुनावों की घोषणा की जाएगी। अच्छा है, सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। जो कल ही नियुक्त किए गए थे 2 इलेक्शन कमिश्नर, उनका भी मोर छाप लग जाएगा इस शेड्यूल में और कल इसकी घोषणा होगी। पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी 5:30 बजे चैती भूमि पहुंचेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। अभी अभी जैसा मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, साथ ही साथ बेंगलुरु में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जहां वो कांग्रेस पार्टी के श्रमिक न्याय को लेकर जो 5 गारंटियां हैं उसकी घोषणा कर रहे हैं। अब तक हमने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की है, नारी न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है, युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है, और आज अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा कर रहे हैं। और कल यानी कि 16 तारीख को 1 बजे को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बेंगलुरु में ही हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमारी 5 गारंटियों की घोषणा करेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय के स्तंभ थे, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और सभी 5 न्याय को लेकर हरेक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी हैं। कल देंगे हिस्सेदारी न्याय को लेकर, पर कल शाम तक ये पूरा पैकेज गारंटियों का पूरा हो जाएगा, इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये मानकर चल सकते हैं कि 5 साल, अगले 5 साल के लिए जो सरकार बनेगी उसकी घोषणा, चुनाव की घोषणा कल हो रही है, 5 साल, 5 न्याय, 25 गारंटियां, यही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा।